काश मैं होता, शर्मन ने मेरा रोल मार लिया। काश मैं होता, शर्मन ने मेरा रोल मार लिया। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर आमिर कौन से रोल की बात कर रहे हैं। दरअसल आमिर पहुंचे फरारी के सवारी के प्रीमियर पर और वहां उन्होंने इच्छा जताई कि काश वो इस फिल्म में होते। यहां आए आमिर इतनी जल्दी में थे कि फिल्म के प्रीमियर पर तो आए लेकिन फिल्म देखने का उनके पास टाइम नहीं था। एक्चुअली आज मुझे अफसोस है मैं फिल्म नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूँ अपने काम में। आमिर के प्रेजेंस ने इस प्रीमियर में चार चांद तो लगाए ही, पर उसके साथ साथ ऐसा लगा जैसे कि थ्री इडियट्स की पूरी टीम फिर से एक साथ में आई हो। राजू हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा, आमिर खान, बमन रानी, शर्मन जोशी, बस कमी थी तो सिर्फ माधवन की। आईडी आज नहीं आ पाया मेरी वो, लेकिन उसका मैसेज मुझे आया और हमारी तरफ से शुभकामनाएं शर्मन को। ये उनकी फिल्म है, हम चाहते हैं कि जितने लोगों ने थ्री इडियट्स देखी वो सारे लोग फरारी देखें और ये फिल्म थ्री इडियट्स से भी आगे जाए, ये हमारी दुआ है। Well, फरारी की सवारी थ्री इडियट्स से भी आगे जाती है या नहीं इसका तो हमें भी इंतजार रहेगा, पर अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो शर्मन को कुछ टिप्स देते जाइए। आफ्टर ऑल ये उनकी पहली सोलो बड़ी फिल्म है। ये सलाह देने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे एक्टर है वो। हम दोनों ने रंग दे बसंती में साथ में काम किया है, थ्री इडियट्स में साथ में काम किया है, बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। इट सीम्स आमिर इज वे टू इम्प्रेस्ड विद शर्मन, इसलिए तो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। इस प्रीमियर पर फरारी की सवारी टीम और आमिर के अलावा दिखे सोनू सूद, अर्शद वारसी, फरदीन खान और सुधीर मिश्रा भी। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।